फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक जो प्लेन है क्लास 12 का, उसका एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो हम इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ पर सीखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म में, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की, उसको सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए आपको एक पॉइंट गिवन है जिसका पोजिशन वैक्टर ए है और एक प्लेन है आर डॉट एन इक्वल टू डी। हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यानी अगर पॉइंट इसको मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ और इसको क्यू, सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस पी क्यू। हम इस पी क्यू के एक फॉर्मूला वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, सो किसी पॉइंट ए जिसका कोई पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर ए है, वहां से एक प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू डी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ये। सी नाउ, अब ये जो लाइन पी क्यू है ये पॉइंट ए से पास कर रही है और जो प्लेन पे नॉर्मल होगा उसके पैरेलल है। तो हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। सो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल टू, फॉर्मूला याद है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। यस, द सेम वन, लेकिन यहाँ बी की जगह कौन ले रहा है, बी की जगह एन ले रहा है। सो नाउ इट इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एन। अब क्योंकि ये लाइन है, सो व्हाट विल बी द एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, अगर हम इसी पे इस लाइन पे कोई एनी पॉइंट लिखना चाहे, सो डिफरेंस आप लोगों को याद होगा स्ट्रेट लाइन में हम लोग इस आर को ही एनी पॉइंट बोलते थे। सो आर मतलब ए प्लस लैम्डा एन, ये एनी पॉइंट हो गया। अब अगर इस एनी पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मतलब कि ए प्लस लेमडा एन, ए प्लस लेमडा एन डॉट एन जो है वो डी होना चाहिए, और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ए डॉट एन प्लस लेमडा एन डॉट एन इक्वल्स टू डी ना। और अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो लेमडा क्या आएगा, लेमडा विल बी डी माइनस ए डॉट एन, डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय वेक्टर एन, वेक्टर एन, और वेक्टर एन मीनिंग अगर वेक्टर एन को कैलकुलेट किया जाए सो व्हाट इट विल बी, ये आ जाएगा डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर, राइट। सो हियर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब अगर ये लैम्डा की वैल्यू है, सो नाउ व्हाट विल बी द पॉइंट, वो जो एनी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, यानी अगर उसको हम क्यू मान लेते हैं, सो क्यू के क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए प्लस लैम्डा, लैम्डा मतलब डी माइनस ए डॉट एन द होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर इनटू वेक्टर एन। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी पी क्यू, तो पी क्यू क्या होगा, अगर हम पी क्यू को कैलकुलेट करके दैट मीन पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, सो ये रहा क्यू और ये रहा पी, जब इस ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डी माइनस ए डॉट एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर इनटू वेक्टर एन। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है, ये इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ लेट अस टेक द दैट मीन द डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो पी क्या होने वाला है, वो पी क्यू का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, यानी हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। सो एज वी टेक द मैग्नीट्यूड, सो इट विल बी मॉड डी माइनस ए डॉट एन, राइट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन स्क्वायर, और ये वेक्टर एन का भी मैग्नीट्यूड, इसको कैंसिल करेंगे, सो इन दैट केस नाउ पी विल बी, पी क्या हो जाएगा, पी इज डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड, ना ये हमारा एक्चुअली फॉर्मूला हो गया। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए ए को पहले लाना चाहते हैं, सो हम लिख सकते हैं कि ओके, सो पी विल बी, हम इसको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरचेंज कर रहे हैं, सो ए डॉट एन माइनस डी द होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। सो वेक्टर फॉर्म में
इफ एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता हमें, इफ पॉइंट ए इज नोन टू अस, हमें ए पता है और प्लेन की इक्वेशन पता है, तो उस पॉइंट से प्लेन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ लेट अस टॉक इन द कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करना है, सो हियर ऑन द स्क्रीन आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जेड वन ऑन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इज, दिस इज p equal to ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by under root a square plus b square plus c square। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग वापस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x1 y1 z1 से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। हम इसी तरह से क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से एनी पॉइंट पता लग जाएगा, सो एनी पॉइंट विल बी, एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ वी आर टेकिंग इट एज ए लेमडा और आर समथिंग, कुछ भी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, एक कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। सो नाउ द एनी पॉइंट विल बी क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर लेमडा लिया है, सो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस ए लेमडा और वाई वन प्लस बी लेमडा और जेड वन प्लस सी लेमडा, राइट। ये एनी पॉइंट हो गया, सो डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो नाउ वी हैव ए x1 plus a lambda plus b y1 plus b lambda plus c z1 plus c lambda plus d equal to 0, ये इसको सेटिस्फाई करने वाला है ना। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इज नोन टू अस, और उस लैम्डा को हम यहां पुट कर देंगे। ओके, लैम्डा को यहां पुट करेंगे एंड देन वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, और हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे लैम्डा को। इट इज सिंपल टू कैलकुलेट द लैम्डा, आप कैलकुलेट करके देखिए लैम्डा क्या आता है। जब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, सो अवर लैम्डा विल बी माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी द होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लैम्डा होने वाला है। सो इस लैम्डा को यहाँ पुट कीजिए, लैम्डा को इसमें पुट कर दीजिए, और साथ में अब पी क्यू का जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे, दैट मीन डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट दोनों पॉइंट को ना। अभी थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट ये है, सी वन पॉइंट इज दिस वन, दिस इज द अनदर पॉइंट, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इट इज सिंपली ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, इज इट येस और नो, राइट ना। ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, यानी अगर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कॉमन करेंगे, सॉरी, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लैम्डा। नाउ यू पुट द लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उस केस में आपको सिंपल जो डिस्टेंस है पी क्यू का वो आ जाएगा, विच इज दिस वन, वो ये आएगा। सो डियर फ्रेंड, इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि एक पॉइंट जो प्लेन से अलग है, जिसका पोजिशन वैक्टर ए है, या अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो एक्स वन वाई वन जेड वन उसका कोऑर्डिनेट है, तो उससे हमने प्लेन के प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, जस्ट सिंपली एंजॉय द मैथमेटिक्स, डू लॉट ऑफ क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।